जहां से पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते पुलिस ने 48 घंटों के अंदर 258 अपराधियों को गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई की है। झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीणा द्वारा लगातार अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान के तहत आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में झांसी के विभिन्न थानों में 48 घंटे के अंदर 258 अपराधियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई है, जिनके विरुद्ध विभिन्न मामले दर्ज किए जा रहे हैं तथा आपराधिक व्यक्तियों पर लगातार झांसी पुलिस की नजर बनी हुई है। कार्रवाई के दौरान अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री एवं परिवहन के विरुद्ध जनपद में की जा रही कार्रवाई के दौरान विभिन्न स्थानों पर 10 अभियोग पंजीकृत कर कुल 653 लीटर अवैध कच्ची शराब और 90 क्वार्टर देसी शराब व 1 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। तो वहीं 3000 किलोग्राम लहन नष्ट कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय द्वारा 48 घंटे का अभियान चला करके आदर्श आचार संहिता के इन्फोर्समेंट की कार्रवाई कराई गई थानों से। इस क्रम में 48 घंटे में 258 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे, इसमें से 105 व्यक्तियों को आज गिरफ्तार किया गया है जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके चालान की कार्रवाई प्रचलित है। इस क्रम में 2 अभियोग आमसैक के पंजीकृत किए गए, जुए के अपराधी पकड़े गए जिनसे 15,400 रुपये फंड से बरामद हुआ, 158,000 रुपये कटेरा में पकड़े गए आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में और 87,500 रुपये बबीना में पकड़े गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चला जा अभियान आगे भी जारी रहेगा और चुनाव सफल संपन्न कराने की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।